जाते तेरे को अब मम्मी सरप्राइज मम्मी जी मैं तो जान गई हूँ मैं तुझे हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं नहा लिया, यशी भी नहा ली, मिकुड़ी भी नहा ली। आज बताओ मिकुड़ी भी नहा ली जल्दी से उठ के, अभी बस चीयू नहा रही है। और आज इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज है अनुज का बर्थडे, जो मेरा छोटा भाई है उसका बर्थडे है। तो आज हम उसका सेलिब्रेट करने वाले बर्थडे, तो अभी डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया है, वो विद इन 10 या 15 मिनट्स यहाँ पर आते ही होंगे। और मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है कि मैं ब्रेकफास्ट तो कर लूँ वो आए उससे पहले, ताकि फिर डेकोरेशन वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मेरे को कल का वीडियो भी एडिट करना है, कल मैंने किया नहीं, रात को बहुत तेज़ नींद आई, कल रात को जल्दी सोया मैं खुद ही, अराउंड 12 बजे ही सो गया था, वरना 2 बज जाते आराम से। तो कल हिम्मत ही नहीं हुई करने की एडिट, तो फिर वो अभी करूँगा। बट हाँ, अभी पहले डेकोरेशन वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद या उसी टाइम में बैठे बैठे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगा डेकोरेशन होने में, उसका पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है उसकी, पूरी कितने साल का हो गया वो, 19 साल का हो गया आज, 19 साल का हो गया वो, तो उसका शायद पहली बार अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट होगा, वरना उसका हमेशा ऐसे ही फुस 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 ही होता है हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट। जैसे ही डेकोरेशन हो जाएगा, हर्ष अभी घर पर है अपने, वो अनुज को लेता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ उसको सरप्राइज़ देंगे। यहाँ एक छोटा सा सरप्राइज़ है, बस डेकोरेशन वगैरह है, बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, केक कटिंग वगैरह होगी यहाँ पर। उसके बाद एक्चुअल सरप्राइज़ मम्मी के पास होगा, उसके लिए गिफ्ट ला रखा है एक, और वो हर्ष जैसे उसको लेने आएगा तब जैसे मम्मी को दे देगा, फिर वो इधर आ जाएगा अनुज, फिर उसको वापस जब छोड़ने जाएंगे ना, वो मैं डर गया कहीं दूध तो नहीं निकल गया, जब उसको छोड़ने जाएंगे तब उसको वो गिफ्ट मिलेगा। डेकोरेशन वाले भी आ गए हैं भाई, अपन ने क्या सेलेक्ट किया है, तुमने ये क्या क्या सामान आ रहा है भाई? बहुत मस्त सेलेक्ट किया हमने, तू देखना अनुज इसने सेलेक्ट किया डेकोरेशन का जो भी है, मेरे तो समझ में नहीं आता डेकोरेशन। तेरे बर्थडे पे अच्छा था ना? नहीं यार, मेरे बर्थडे पे अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, मजा नहीं आया मेरे को तो, तेरी क्या समझ बाहर चला जाए। और बताओ इस महीने किसी और का भी बर्थडे है? जिस दिन इसका बर्थडे होता है उससे एक दिन पहले तू घर भेज देना भाई। हाँ। मतलब ये तो आज है 11 तारीख 22 तारीख उसका है। 10 दिन बाद इसका बर्थडे भी है। बेशर्मियों की तो जैसे हद हो गई अब। ये तो बेशर्मी है भैया, इसके बर्थडे पे ना आपको सिर्फ 4 फुग्गे लगाने हैं, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। फुग्गो के लिए नहीं आएंगे आपके? नहीं, मैं भैया को 4 फुग्गो के लिए बुला लूंगा। नहीं भैया बताना, आप तो रहने देना, मैं लगा लूंगी 4 फुग्गे अपने बर्थडे पे। लगे छड़ी नहीं पाएगी ऊपर तक। चुप रहो, मैं नीचे लगा लूंगी। कल मैंने इसको मैट उतारने को बोला तो मना कर दी। हाँ तो वो मैट आपने पिला के नीचे सरका दिया रात को, उसको उठाओ जाके। क्यों, तो अच्छी सही जगह रख दिया ताकि वहां से तो उठा पाएगी। मम्मी आज अमरस भेजेगी, आज बंगाली मिठाई भी भेजेगी। बंगाली मिठाई का तो मम्मी ने नहीं बोला, मेरे को मम्मी ने रात को बोला नहीं भेजे तो नहीं भेज रही है, सिर्फ अमरस भेज रही है आज। वो तो अमरस के लिए बोला, जो डेकोरेशन हुआ था ना उससे डबल बड़ा डेकोरेशन होने वाला है, वो केक भी लेकर आना है अभी, तो डेकोरेशन कर रहे हैं ब्लू और व्हाइट बलून्स का, और अभी ये रेडी हो रहा है। ये पूरा जाल ऐसे यहाँ से यहाँ तक ढक जाएगा और बीच में उसकी एज लिखी हुई होगी। अभी मजा आएगा, मेरे को फटाफट मशीन से भरेंगे ना जब बलून, तू भी भरेगा। हाँ, तो इसको भैया 10-15 गुब्बारे देना मुझे बुलाने के लिए। भैया नहीं, फिटिंग नहीं, फिटिंग ना, बहुत तेजी से भरेंगे भैया फटाफट पूरे घर में। अरे यार ये वापस से कल गिर गया था यार, पागल है क्या यार? भैया ने बलून से इन दोनों को जोड़ दिया, किचन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस ये सेट करना है में, बाकी फुल ऑन डन। ये साइड वाला डेकोरेशन तो हो गया, यहाँ पर टेबल रख देंगे केक के लिए, अभी ऊपर लगने वाले बलून्स, ऊपर का डेकोरेशन होने वाला है, ऊपर कब लगेंगे। फाइनली पूरा डेकोरेशन हो चुका है और अब जाता हूँ मैं बलून्स लेने के लिए, बलून्स लेने के लिए क्या बोल रहा हूँ, अभी मेरे को जाना है, केक लेकर आना है और बुलाने के पार्टी पॉपर, और क्या लाना होता है, कैंडल लेकर आनी है, उसके बिना तो केक नहीं कटता। हाँ तू ये लेकर आई थी मेरे बर्थडे पे, वो कैंडल लेकर आई, आग लगाई फट फट गई वो कैंडल ही। ठीक है, थोड़ा सा ना तू, मैं वो लेकर आ रहा हूँ केक वगैरह सब कुछ, तूने झाड़ू लगा के ना फूटे हुए बलून ने साइड कर दी एक बार, और इन सारे बलून्स को है ना एक साथ इधर इकट्ठा कर दो सबको। यार इतनी तेज गर्मी हो रही है लेकिन पंखा नहीं चला सकते, और एसी का पता
एसी का पता भी नहीं चल रहा तो नहीं कर रहा ना ऐसे चलाने का तो अच्छा लग रहा है। हाँ ये सुंदर बहुत लग रहा है ना, हमने तो बूमरैंग भी बना लिए पर हम अभी पोस्ट नहीं करेंगे तो उसको पता चल जाएगा। केक लेकर आ गए हैं मेरे पार्टी पॉपर्स, जैसे केक खोल के रखते थे आ ही रहे होंगे वो लोग। निकल गया है हर्षमा से, बस आ ही रहा होगा। चक्कू लेकर इसको चक्कू है ना। अरे ये गंदे होते हैं तेको पता है बेकरीज पे केक ही नहीं है। क्यों बोले कोविड की वजह से रखी रखे सिर्फ ऑर्डर्स पे बन रहे हैं। कोई बात नहीं, कितना प्यारा है यार ये चॉकलेट और गोल्ड। मैगी खाऊंगी मैगी। अरे वो पानी उबाल रहे हो, पानी क्यों उबाल रहे हो? मेरे नूडल्स में डालेगा ना, कप वाले नूडल खाने। सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी तो वॉमिट कर रही। सुबह से अब मैगी खाएगी? सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा यही खाने का मन है बस। खा ले फिर, वॉमिट हुई थी ना, तूने रात को क्या खाया था? क्या है, हमारे तो किसी को कुछ नहीं हुआ। इसके हाथ के बने हुए बहुत टेस्टी बने थे वो। बहुत मेरे दरन ऊपर हो गई। बता कैसे बने थे? दरन ऊपर हुई थी। बता कैसे बने थे? बहुत टेस्टी बने थे। तू तेरा कप खो गया। अनुज घर से निकला है, 10 मिनट ही हुए होंगे और मम्मी का कॉल आ गया मेरे पास कि वो अनुज कहाँ है, उसको वापस फटाफट घर भेज क्योंकि मजरू उन्होंने लग गया। मतलब अब वही सीन है ना कि मैं भी चला जाता हूँ, पापा भी चले जाते हैं, मम्मी और अनुज रहते हैं। और वो अनुज क्या है, सारे टाइम उसके साथ रहता है ना, तो उसका हाँ। मरना लगा रहता है उसको। वो बार बार गेट पे भाग रहा है, बार बार गेट अनुज को बोलते टिकट काट कट कर और जा। मेन सरप्राइज तो वहीं पर है अनुज का। ओ ये मैं वो नहीं देख सकती। हाँ तू नहीं देख। क्यों चल लेना, तो चलना हो तो चलेगी ना। चल ठीक है, चल रही हो फिर घर पे। मजनू से भी मिल लियो। अरे नहीं वो मुझे मार देगा। अरे वो मेरी हद तक चढ़ जाता है यार, कपड़े फाड़ देता है मेरे। उससे पहले मेरी एक ना एक मेरा इतना मोटा स्वेटर था, फट फाड़ दिया। आज मम्मी तूने सिखाया ना उसको? कल मम्मी वो दिखा रही उनका दुपट्टा, ये देख कितना मोटा छेद कर रहा है। पता है पता है। वैसे भी आ ही रहा होगा अनुज 5 मिनट में, फटाफट से केक काट के सीधा घर चलते हैं। उसका फर्स्ट बर्थडे ऐसे बन रहा होगा शायद ना। ये अभी तक पूरी जितने साल का हो ना, अभी तक पहली बार उसका ऐसे बर्थडे बन रहा है। तो हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। उसने तो सही में उसने पता एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस तरीके से अपन मनाने वाले हैं। हाँ, और अभी तक हमने जितने डेकोरेशंस कराए हैं ना, वो बेटा बेटा बेटर होते गए और ये वाला सबसे प्यारा है। और पता शुरू से करता ये कैसा डेकोरेशन करा रही, अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा लगेगा, डोंट टू बेस्ट। यार मेरे समझ में नहीं आता डेकोरेशन वगैरह, इसलिए फिर बहुत प्यारा नहीं के बस की बात है। ये गुब्बारा फुस हो गया यार मेरे को। अच्छा ये देख ये फुस कैसे हो गया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसके ऐसे इसको यूं रख। यूं बिना पढ़े पास हो गए, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सेकंड ईयर में, मैं तो फर्स्ट ईयर में पास हो गई, मैं तो सेकंड ईयर में भी पास हो गई। हां क्योंकि ऐसा तो ये पास होती नहीं। ऐसे तो देखो मैं बहुत अच्छी से पास होती, मेरी लास्ट 2 साल यार 2 साल पास होना यार बहुत सही है यार। तो मैं कोई ऐसा यार सूरज पता है कि क्या, मुझे भी ना एमबीए ज्वाइन कर लेना चाहिए था। 2 साल में 2 साल का होता 2 साल पास। तुम सारे उधर कर देते ना। ओए दांत तो खाई, ये फूट भी सकते हैं। मैंने सबको इधर हां मत कर ऐसे। ओए अनुज की ना वो वे में लगा कर दिया नहीं लग रहा है, छोटा करवा दे इसी नहीं 9 है। इसको भी आते फुस हो गया, पता नहीं कैसे बिल्कुल नहीं बजाया ना तेरे को, बड़ी लगी।
थी, मना किया था ना उसके उसके ऊपर वो डालने से। खत्म जल्दी हो गया नहीं तो तेरे ऊपर भर देता मैं पूरा का पूरा। तू तेरे बर्थडे पे देखियो खुद के बर्थडे का क्या है, खुद के बर्थडे पे तो किसी को करने नहीं देता। शट अप, हैप्पी बर्थडे। बस करो बिचारे को, तुमने मिलाया ना। मैं भी ना यूएस देख तो तेरे बर्थडे की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो पहले ही नहीं ऐसे प्रैक्टिस करने की नहीं चाहिए ऐसा रिजल्ट कैसे होगा क्या। अरे ये इतना और बहुत ही यार है चॉकलेट है इसमें भाई। हां इससे तो समझ ही नहीं हुआ चॉकलेट नाम से। अरे ये लो दीदी जल्दी से खिलाना, मुझे टेस्ट करना है। अरे बहुत ज्यादा वैसे ही ज्यादा डार्क है ये। अरे पूरा 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 केक सूरज भैया का छोटा भाई सिर्फ है ये है वैसे बड़ा ही हरकतों में ले ले थोड़ा सा आपको तो। ले सिर्फ थोड़ा, सिर्फ थोड़ा सा केक बिल्कुल ले थोड़ा सा खाने में उसे बाहर निकल रहा है केक। थैंक यू दीदी, किसका प्लान था ये? हाथ उठाना एक बार दीदी, ये कर दे चीज कर दे चीज। आपको प्लान था ना ये? लो इधर की हो गई पार्टी खत्म। यप अभी चलते हैं एक्चुअल पार्टी के पास। हाँ हमारी मम्मी जी के पास। तो अभी तो चल रहे घर पे, अब चल रहे मजनू के पास। हाँ। सब चल रहे हैं। हाँ अभी मेन सरप्राइज तो वही है। अच्छा मेन सरप्राइज भी है। हाँ अभी खत्म हो गया है, अभी तो सरप्राइज घर पे है। मन में लड्डू फूटा। मैगी तैयार हो गई, क्या करूँ फिर बता। मैगी मैगी कब छोड़ के जाऊँ क्या? आगे खा लियो, आगे खा लियो। नहीं 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 खराब हो जाएगी। हो जाऊंगा, खिला तो देना ही। ले चले, ले चलो घर चलते हैं। मैं चेंज कर लूं एक बार। एक दो टच में मैगी में मार दूंगी चम्मच की। मेरी मैगी को हाथ मत लगाओ, सालों मेरे सुबह तो कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें मारूंगा। अरे भूखो की टोली, जिसने मेरी मैगी में से एक भी खाया तो नई मैगी लाऊंगी। और सूरज लेके आया, कहती है यार ठीक है ना सूरज, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या प्लीज मत कर, उनको बोल मेरी मैगी देना। अभी जा रहे हैं हम लोग घर। पता है मैं ना आज वीडियो एडिट कर रहा था ना, कल अपन कार में थे तो मैं सोच रहा था आवाज काई की आ रही है। मैंने कहा गाड़ी तो इतनी आवाज कर नहीं सकती, भूं भूं आ रही थी, एसी तेज चल रहा था ना, मैं समझ ही नहीं पा रहा आज एडिट करते। मैंने कहा आवाज गाड़ी में आ किस चीज की रही है। चल रहे घर। सो रहा था, आ गया आ गया। चल पहचान ली, अरे बिग बॉय नाउ। ओ आराम से पहचान ली, पहचान ली। देखो पहचान लिया उसने एसी। हां देखो पहचान लिया। जा तू जा पास जा, आराम से आराम से। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ेगा देखते को। पहचान लिया उसने। रुक जा रुक जा, आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं। छोड़ने दे उसको, पकड़ने दे, तेरे पास ही आना चाह रहा है वो। देख ले देख ले, बस बस पहचान लिया तेरे को उसने। ओ बस हेलो। और भाई तो कैसे भारी है। अरे नमस्ते आंटी, नमस्ते। आज आ रही। अरे भाई देखो कैसे सज दस के बैठी है, वीडियो बनाने आ रहा था, पता है इनको। हां बेटा हां हूं। सरप्राइज दिखा दे तेरे को अब। हां सरप्राइज तुझे थैली है तेरे लिए। बाइक की चाबी है, फोन है पक्का फोन ही है, पता था आईफोन। शॉपिंग ना कर रहा, गिफ्ट दे दिया, फिर बाद में मेरे को दे दी। क्या बोल रही है? बोले जल्दी से मेरा बर्थडे आ जाए। हर बर्थडे पे आईफोन आ रहा है। चिया के भी लग रही है, मेरा बर्थडे आ जाए लग रही है। इन दोनों के लग रही है बर्थडे नए बर्थडे नए। ये फोन मैंने इसको दिलाया था टेंथ में, जब भी टेंथ क्लास में था तब मैंने अर्निंग करना स्टार्ट ही किया था, तब 4500 रुपीस कमाता था मैं। तब मैंने इसको ये ईएमआई पे दिलाया था, जब इसकी हर महीने ना 2000 रुपए समथिंग ईएमआई जाती थी इसकी, तब दिलाया था मैंने इसको। हाँ वॉलीबॉल सिखाने जाता था तब मैंने इसको दिलाया था, एक साल की किस्त में ये दिलाया था। चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।